फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर की रेसिपी। घर की रेसिपी में आज मसाला ओट्स बनाई हूँ, जिसमें कि मैं वेजिटेबल्स भी कुछ ऐड की हूँ, कुछ सब्जियाँ मैं इसमें ऐड की हूँ, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सभी खाना पसंद करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं, हम इसे कैसे बनाएं। आज मैं ओट्स बनाने वाली हूँ, जो कि मैं वेजिटेबल के साथ बनाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी है। ओट्स आप बच्चे को भी दें या खुद भी खाएं तो ये बहुत ही हेल्दी है। जैसे हम मैगी खाते हैं, वो मैदे का बना होता है, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो ओट्स उसकी जगह बनाएं तो बहुत अच्छा। ये सफोला मसाला ओट्स है। इसे बनाने के लिए मैं ली हूँ गोभी, कट कर ली छोटे छोटे पीसेस में। ये हो गया हमारा प्याज, टमाटर और थोड़ा सा बीन्स मैं कट कर ली हूँ, जो बोरा भी बोलते हैं, बीन्स भी बोलते हैं। एक हरी मिर्च, अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना भी डालें। और ये हो गया कटी हुई, बारीक कटी हुई हरी धनिया। इन चीज़ों से बहुत टेस्टी आज मैं बनाने वाली हूँ ओट्स। ये सफोला मसाला ओट्स जो है, इसमें बहुत कुछ है, देख सकते हैं। प्याज है, मटर है, गाजर है, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ, प्याज, ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बच्चे भी बहुत अच्छे से खाएं। मैं एक पैन चढ़ाई हूँ, 2 टेबल स्पून तेल डाली, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और इसे कवर करके 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए कवर करना है। इस तरह देख सकते हैं, ये लगभग फ्राई हो गया है, यानी कि प्याज भी घुल गया है और टमाटर भी अच्छे से घुल गया है, गोभी भी फ्राई हो गया है। हम इसमें ऐड करेंगे ये चहल मसाला ओट्स, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, ताकि ओट्स भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस 2 मिनट ही। गैस लो फ्लेम पे रखते हुए 2 मिनट इसे फ्राई करना है। हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, जो कि हमारा नूडल्स मसाला है, या फिर आप मैगी मसाला भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं आज थोड़ा सा इसमें नूडल्स मसाला डाल रही हूँ, ये यम्मी जैसा बनेगा, थोड़ा सा चटपटा बनेगा। अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट और फ्राई करना है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके मैं फ्राई कर ली हूँ, फ्राई हो गया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सभी चीज अच्छे से घुल जाएगा, पक जाएगा। हम इसमें कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो गया, हम कवर हटा के देख लेते हैं अच्छे से सब घुले कि नहीं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सब चीज सब सारी सब्जियां जो है बहुत अच्छे से घुल गया है इसमें, यानी कि ओट्स बनके रेडी है। हम इसे सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी है। अब इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, जैसे कटी हुई हरी धनिया, मैं इस पे डाल देती हूँ। गैस को ऑफ कर देती हूँ और बंद करके बस 2 मिनट रखना है, फिर इसे हम निकाल के सर्व कर सकते हैं। फाइनली ओट्स बन के तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही हेल्दी है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।